सर, ये जो आप राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी है, आपने इसी को क्यों चुना है? देखिए, पार्टियां मैंने बहुत देखी जी, और मैं कुछ दिन BSP में काम किया था एज ए जिला अध्यक्ष जी, लेकिन क्या है, उनकी कार्यशैली हमें पसंद नहीं आई। उनका जो स्पेशली जो नीचे वर्कर जो है वो भी मैंने देखा कि करप्ट है, बाकी ऑफिसर तो है ही है। तो फिर उनके एक स्टाइल ऐसा लगा मुझे कि आगे चलने वाली पार्टी नहीं है, ग्राउंड रूट पे वो काम नहीं कर रहे। तो फिर उसके बाद वो मैंने छोड़ दिया उनको। फिर क्या हुआ कि मैं और भी सोशल काम काफ़ी किया, दूसरे सोशल ग्रुप में भी, यहाँ तक कि जो उसमें आपका बैलेट मशीन है ना, उसमें भी जो फोटो लगी है उसमें भी हमने काम किया। हमारी वजह से फोटो उस पर आई हुई बैलेट मशीन पे, PTM, हाँ, वोटिंग मशीन पे, वोटिंग मशीन पे, हाँ, वो हमारे एफर्ट से हुआ था। आगे हमारा एफर्ट ये थे कि उसमें हम पार्टियों से हटके इंडिविजुअल को आना चाहिए, नहीं इलेक्शन में पार्टियों का सिंबल हट जाए जी, ताकि इंडिविजुअल को वोट मिले ना कि पार्टी को। और पार्टी को हम ही सोचते हैं कि पार्टी को इतना खतरनाक काम जो आज हो रहा है ना, वो पार्टी की वोटिंग की वजह से हो रहा है जी। जो आज देश में अफरा तफरी मची है, भय का माहौल बना है, और कास्टिज्म और दूसरा आपका धार्मिक जो डिफरेंस बढ़ा है, ये सिर्फ पार्टियों की वजह से बढ़ा है, इंडिविजुअल आदमी ऐसा नहीं कर सकता, ये विचार था। लेकिन क्या हुआ कि फिर पीछे मई में साहब ने हमको इन्वाइट किया, तो यहाँ पर हमने इनका कार्यशैली देखी, विचार देखे। और साहब ने आपको इनवाइट किया, कौन साहब थे जो आपको इनवाइट किया? भानु प्रताप जी ने, भानु प्रताप अपने देख जी ने, इनके साथ राजकुमार जी थे, वो हमारे सोशल प्रोग्राम पहले करते रहते थे, वो मिले थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। सर, आप दिल्ली का काम देख रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर जो पार्टी का है, पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है, पार्टी किन उद्देश्य से काम करेगी? उद्देश्य तो हमने सीधा तो पॉलिटिकल ही है, सत्ता प्राप्ति का है, सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना है, लोगों को जागरूक करना है, इकट्ठा करना है, अलग अलग रह के कोई पार्टी जितनी पाई और जितनी भी हैं छोटी मोटी हमारी, उनको एक जगह लाना है, एक स्टेज पे लाना है, और अपनी विचारधारा जोड़ के, मतलब उनको समझा के, एक प्लेटफार्म पर लाने की कोशिश है, और हम पूरी उम्मीद है कि हम कर पाएंगे। सर, BJP दिल्ली के अंदर क्या है कि वो हिंदुवाद पे चुनाव लड़ती है, राम मंदिर पे चुनाव लड़ती है, तो आपके राष्ट्रीय हित जनसंघर्ष पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी? ये सब मुद्दे आएंगे जो शोषण हो रहा है जी, हर लेवल पर, मोहम्मदन का हो रहा है, बहुजन का हो रहा है, आम जो है समाज में औरतों की जो है ना इज्जत सेफ नहीं है, उनकी जान भी सेफ नहीं है, ये सब जो इतना बुरा हाल हो रहा है देश के अंदर, इन सब से लड़ते हुए इनको उलटने के लिए हमने काम करना है, मेहनत करना है, और ऐसी निकम्मे सरकार को हटाना बहुत ज़रूरी है। सर, इस समय तो आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, आप केंद्रीय सरकार हटाएंगे या आम आदमी पार्टी की सरकार हटाएंगे? देखिए, हमारी नीति सबसे बड़ी, ऊपर बड़ा दुश्मन है, पहले उसको मारा जाए जी, बाकी छोटे छोटे तो कभी भी हम संभाल सकते हैं, कभी भी मसल देंगे वो तो कभी भी, यस, मौका उनको ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, जहाँ ताकत ज़्यादा लगनी है जो ज़्यादा खतरनाक है। आम आदमी को मैं इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं मानता, क्योंकि वो झाड़ू वालों को भी जो है साथ लेके चलता है, चाहे वो झाड़ू के नाम से गुमराह हो रहे हों, लेकिन साथ हैं उनके, और आम आदमी की बात करता है वो, लेकिन वो उनको हम कम्पीट करना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो खतरनाक जो बैठे हैं ना, अजगर और सांप जहरीले जो बैठे हुए हैं, जहाँ तक गृह मंत्री को देखियो, कत्लेआम हो रहा है पूरे देश में और जवान तक नहीं खोलता, उसकी टेप लगा रखी है जैसे, तो ये क्या है कि इससे देश नहीं चलता, इसे टूटता है और ताकत कम होती है देश की। हमने देश का हित पहले देखना है, फिर अपने समाज का देखना है, पूरे हिंदुस्तान में यानी कि भारत में शांति होनी चाहिए, बुद्ध के मार्ग पर हम चलते हैं, बाबा साहब के आदर्श हमारे साथ हैं, तो इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी है।